खबर जनपद मैनपुरी से है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अविनाश पांडे के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद मैनपुरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सर्विलांस टीम के द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पीड़ित के गुमशुदा 54 मोबाइल जिनकी कीमत 8 लाख से अधिक है, पीड़ित को आज सुपुर्द किए जा रहे हैं। सभी पीड़ितों ने मोबाइल गुमशुदा की तहरीर दी है, जिनके बाद मोबाइल गुम हुए थे उनमें से कुछ बाहर के हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके बाद मोबाइल सुपुर्द किए जाएंगे। अपने खोए हुए मोबाइल पाकर सभी के चेहरे खिले हुए थे। 54 मोबाइल बरामद किए हैं, अच्छा गुड़बड़ किया है, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये 2019 से लेकर जितने भी मोबाइल्स की कंप्लेंट थी उनमें पहले से भी काम चल रहा था, और इधर हमारी सर्विलांस सेल में एक मोबाइल रिकवरी सेल बनाया गया था, क्योंकि आजकल देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल का जमाना, और किसी का मोबाइल खो जाता है तो उसे बड़ा खराब लगता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए जितने भी खोए हुए मोबाइल थे उन सभी की जो IMEI है उसको रन करा के हमारी मोबाइल रिकवरी सेल ने इसमें 54 मोबाइल बरामद किए हैं, जिसमें 20 लोगों को आज मोबाइल बुलाकर दे दिए गए हैं, बाकी कुछ लोग बाहर के हैं जो यहाँ आए थे और उनके गिर गए थे या बस में छूट गए थे, कोई ले गया था। इस प्रकार के सभी मोबाइल रिकवर किए गए हैं। कुछ ऐसे मोबाइल इसमें हैं जिन जो ऐसे लड़कों से मिले हैं जिन्होंने बड़े सस्ते में खरीदे थे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी एक सूचना देना चाहता हूँ कि सस्ते में मोबाइल कोई बिना पर्टिकुलर बिल के या किसी ऑथराइज्ड एजेंसी के बिना ना खरीदें, अन्यथा ये मोबाइल अगर आपके पास से रिकवर होता है तो विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। परंतु हम लोगों ने देखा कि कई गरीब प्रकार के लोग थे जिनका इंटेंशन इसमें हमें नहीं समझ में आया है, और जैसे यहाँ पर एक ठेला लगाता है लड़का, उसके पास से 2 मोबाइल मिले, तो उसका कहना था कि उसे एक लड़का बस से उतर कर दे गया। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि उन पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो 54 मोबाइल हैं इनमें हम लोगों ने ये पाया, जो हमारी सर्विलांस सेल थी उसने पूरा बैठ कर देखा, सभी लोगों से पूछताछ की कि इनमें अन्य किसी विधिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम लोग मोबाइल सपोर्ट कर सकते हैं। तो देरी किए बिना हम लोगों ने मोबाइल सपोर्ट किए हैं। कुछ मोबाइल हमारे पास और भी रखे हुए हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि किसने छीना था या क्या था, कोई गैंग भी रिकवर होने की संभावना होती है, या कोई ऐसी दुकान है जो लगातार इन मोबाइल को खरीद रही है, तो उस पर भी हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आज की हमारी ये, चूँकि मोबाइल ये रिकवर हो गए थे और लोग यहाँ पर आते रहते थे, बार बार उनको आना पड़ता था, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये मोबाइल हम लोग सपोर्ट देते हैं।